इंटर कास्ट मैरिज करके इन्होंने बता दिया है कि हम रियल में आत्मा से ए टू जेड की पार्टी है। तेजस्वी यादव का भी लालू जी का था और आगे थे, तेजस्वी यादव का भी कार्यक्रम। तेजस्वी जी कैसे मिलते हैं ये तो नहीं जानते, वो तो एकदम आमने सामने मिलते थे, एक फीट के दूरी पर सट करके बात होता था। नीतीश जी तो लगाते हैं तो इनमें भी शामिल नहीं हुए, लेकिन ये दूर से बात करते हैं, ज्यादा अवसर इनको घेरे हुए रहता है। 6-3 से घूर घूर के जाते हैं लेकिन नहीं भेंट हो रहा है। हाँ तो अभी बोले नहीं मिल पा रहे हैं हम सब, तो 5 बजे आएगा यही सब कह के भगा देता है। आयुर्वेद कॉलेज बिहार में एक है, वो प्राचीन आयुर्वेद कॉलेज है और उसकी मान्यता जो है खतरे में है। VIPs के एक कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, माननीय लालू जी उस प्रोटोकॉल को भी तोड़ते थे, अपने चाहने वालों से आई टू आई कॉन्टेक्ट बनाते थे। तेजस्वी जी में भी वो छवि दिखती है, तेजस्वी यादव जी का, चूँकि ये ए टू जेड की बात करते हैं। हाँ मिलते थे, वो भी गरीब के मसीहा थे। बड़े लोग को कौन पूछता है सर, बूढ़े लोग को मिलने लगा लोग, जवान लोग ना, उस समय जनसंख्या नहीं थी तो लोग मिल लेते, अब जनसंख्या इतना है जो किस किस से मिलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूँ वसीम। देखिए इस वक्त हम लालू राबड़ी आवास के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में फरियादी अपने फरियाद को लेकर पहुँचे हैं और उम्मीद है कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इन तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे और तेजस्वी यादव अक्सर मुलाकात किया भी करते हैं। मगर इससे पहले लालू प्रसाद यादव जनता दरबार सजाया करते थे और फरियादियों से मिला करते थे और अब तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं उस पीढ़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम बनने के बाद तमाम लोगों से मुलाकात करते हैं और यही बैरिकेटिंग है। तेजस्वी यादव उस ओर होते हैं और बाकी के फरियादी इस ओर होते हैं और यहीं से फरियाद सुना जाता है। खैर तेजस्वी यादव मुलाकात तो ज़रूर करते हैं। कहाँ से आए हैं चचा? सीतामढ़ी से आए हैं। लालू यादव का जनता दरबार अच्छा था कि तेजस्वी यादव का? नहीं, तेजस्वी यादव का भी, लालू जी का था और आगे थे इस मामले में। हाँ। तेजस्वी यादव का भी कार्यक्रम ठीक चल रहा। लालू जी कैसे मिलते थे? जैसे ही लाइन सिस्टम से मिलते थे, अंदर चले जाते थे आप? अंदर जाते। अब तेजस्वी यादव जी वाला में तो बैरिकेटिंग के इधर ही रहना होता है। अभी तो हम पहली बार आए हैं, पहली बार आए हैं, उनके बाद लालू जी। तेजस्वी यादव से कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को? उम्मीद तो पूरा है, 100% है। आप कहाँ से आए हैं? चितकोड़ा से। चितकोड़ा से आए हैं। लालू जी जनता दरबार लगाते थे पता है? जनता दरबार लगाते पता तो है लेकिन हम कभी इसमें शामिल नहीं हुए थे। शामिल नहीं हुए? अच्छा, इस जनता दरबार की शुरुआतें किए हैं, शुभारम्भ किए थे जनता दरबार के लालू जी। हाँ, उसके बाद तो नीतीश जी कभी कभी लगाए कभी नहीं लगाए, रेगुलर नहीं चला इनका। बेहतर किसका जनता दरबार लगता है? तेजस्वी जी भी तो आप लगाते ही हैं, आप लोगों से मिलते ही हैं, यहाँ पर बैरिकेटिंग लगा ही हुआ है। तो तेजस्वी जी कैसे मिलते हैं ये तो नहीं जानते, वो तो एकदम आमने सामने मिलते थे। कौन? लालू जी? लालू जी एक फीट के दूरी पर सट करके बात होता था। इतना दूरी पर बात होता था? हाँ, इतना दूर पर। अच्छा, कभी खड़ा होकर के कभी वो बैठे रहते थे, बात होता था घर पर भी, यहाँ पर ही बात होता था और जनता दरबारों में। और नीतीश जी? नीतीश जी तो लगाते हैं तो इनमें भी शामिल नहीं हुए लेकिन ये दूर से बात करते हैं, ज़्यादा अवसर इनको घेरे हुए रहता है। हाँ। चारों तरफ डायरेक्ट तो कम ही, खाली आपका दरखास्त लेंगे। हाँ। समानता दे देंगे अफसर को कि इसको कार्रवाई कीजिए। चलिए, और कुछ लोग हैं देखिए जो थोड़ा बुजुर्ग दिख रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं ताकि लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से जनता दरबार लगाते थे। अच्छा, तेजस्वी से मिल रहे हैं? हाँ। क्या समस्या है? का समस्या जमीन जगह का है, जगह जमीन का मैटर है। हाँ। जमीन को मैटर तो वहाँ आदमी ने रख लिया है मेरा से। हाँ। मारपीट करा हुआ है, जब कसाब कब से यहाँ खड़ी है? यहाँ से मतलब 6-3 से घूर घूर के जाते हैं लेकिन नहीं भेंट हो रहा है। 6 दिन से तेजस्वी यादव जी तो मिलते ही है? तो अभी बोले नहीं मिल पा रहे हैं सब। हम तो आयुष चिकित्सक हैं, अभी तो आए हैं मुजफ्फरपुर से और पटना की आयुर्वेद की बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर देखें तो आयुर्वेद कॉलेज बिहार में एक है, वो प्राचीन आयुर्वेद कॉलेज है और उसकी मान्यता जो है खतरे में है। अब सोचिए कि जिस विभाग में स्त्री एवं प्रसूति मेन होता है स्त्री चिकित्सा के लिए और उसमें एक ही शिक्षक है, मतलब एक ही डॉक्टर है और एक ही डॉक्टर के बहाने कब से खड़े हैं? क्या मतलब कब से खड़े हैं डिप्टी सीएम जी से? हम तो 2 घंटा से आए हुए हैं और एक सप्ताह पहले भी आए थे, मिले थे जी। एक हमने किताब दिया तेजस्वी जी को। हाँ। पहला किताब देने वाला मैं ही हूँ कि तेजस्वी जी को, उन्होंने ट्विटर पर भी लिखा है मेरी बात
कि हाँ किताब हमारे हमको मिला मिलने पे, तो हम लोगों ने उनको सम्मानित किया और उनको रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया कि हाँ आयुर्वेद कॉलेज की मान्यता जो है, पर अभी तक आप लोगों का समस्या हल नहीं? नहीं नहीं अभी तक तो नहीं हुआ है, फिर इसलिए हम लोग दोबारा आए हुए हैं कि हाँ मतलब क्या आप कह सकते हैं। दोबारा आए हैं, 6 दिन पहले आए। खैर इस तरफ अगर आप तस्वीर देखें तो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर फरियादी जो है वो पहुँचे हैं और मीडिया कर्मियों का भी जवाबड़ा है। सबसे पहले तो हम आपकी समस्या जानेंगे, मगर उससे पहले आप ये बताइए कि तेजस्वी यादव जी बेहतर जनता दरबार लगाते हैं या लालू यादव जब पहले जनता दरबार लगाया करते थे तो वो बेहतर लगाते थे, क्योंकि लालू यादव आवाज़ के अंदर ही बुला लिया करते थे, 1 फीट की दूरी पर ही सुनते हैं, लोगों से बात कर लिया करते थे। देखिए समय के साथ परिवर्तन तो होता है, समय गतिशील है, आप भी जानते हैं VIPs के एक कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, माननीय लालू जी उस प्रोटोकॉल को भी तोड़ते थे और अपने चाहने वालों से आई टू आई कॉन्टैक्ट बनाते थे। तेजस्वी जी में भी वो छवि दिखती है, यंग हैं, डायनेमिक हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं यूथ में ये कॉन्फिडेंस आया है कि तेजस्वी यादव जी में यूथ अपना फ्यूचर देख रहा है। और हम सब लोगों को ये लगता है कि तेजस्वी जी प्रतिपक्ष के नेता होते समय सदन में BTSC जूनियर इंजीनियर की बहाली की बातों को लेकर पुरजोर रूप से उन्होंने उठाया था और उसका नतीजा भी दिखा था। अब सरकार में आ गए हैं तेजस्वी जी, आयोग भी चेत जाए कि अब वो टाल मटोल नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी जी माननीय उप मुख्यमंत्री जी आज हम लोगों से मुलाकात करेंगे, उसके बाद वो आयोग के चेयरमैन को टाइम फ्रेम बनाएंगे और टाइम फ्रेम बना के विद इन ए वीक, विद इन ए 10 डे रिजल्ट पब्लिश करवाएंगे, क्योंकि इनका नारा रहा है कि हम संविदा शब्द को समाप्त करेंगे और सबको सरकारी नौकरी देंगे। हमने डिप्लोमा किया है, हमने 25 साल संविदा पर नौकरी की है, उसके बाद भी सरकार में हमारा चयन हो चुका है, विभाग अलॉटेड है, हम चयनित हैं, सिर्फ सरकार हमें को वेतन नहीं दे रही है, लेकिन हमको ये पता है, एक एक अभ्यर्थी को ये पता है कोई किस विभाग का जूनियर इंजीनियर है। चलिए रोजगार की समस्या है और तेजस्वी यादव से उम्मीदें भी बहुत है। देखिए इधर आए लोग हैं, आप कहाँ से आए हैं? हम मधुबनी से आए हैं। मधुबनी से आए हैं जी। चलिए बताइए कि तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए कितने देर से खड़े हैं? लगभग आधा घंटे से खड़े हैं। आधे घंटे से खड़े हैं। लालू यादव भी तो कभी जनता दरबार लगाते थे। जी लगाते थे। बेहतर किसका जनता दरबार है, तेजस्वी यादव का या लालू प्रसाद यादव वाला? तेजस्वी यादव जी का है, कैसे? चूंकि ए टू जेड की बात करते हैं, है ना? लालू जी नहीं करते थे ए टू जेड, इंटरकास्ट मैरिज करके इन्होंने बता दिया है कि हम रियल में आत्मा से ए टू जेड की पार्टी है। अच्छा, लालू जी तो बहुत करीब से फरियादियों से मिलते थे। हाँ मिलते थे, वो भी गरीब के मसीहा थे, सामाजिक न्याय के मसीहा थे, वो भी थे निश्चित रूप से। चलिए देखिए संख्या बहुत है और लोग यहाँ पर काफ़ी संख्या में पहुँचे हैं, तेजस्वी यादव से उम्मीद है। अब देखिए पॉपकॉर्न खा रहे हैं चचा, मगर इनसे तो हम बात करेंगे। चचा कहाँ से आए हैं? तो औरंगाबाद घर हुआ। औरंगाबाद से आए हैं, तेजस्वी यादव से मिलने आए? मुश्किल है मिलना, भीड़ में मिल जाएंगे, मुश्किल है मिलना। अच्छा लालू यादव भी तो कभी जनता दरबार लगाते थे, आप तो बहुत करीब से देखे भी होंगे उस जमाने में जिस तरीके से। अपनी बात तो पूछते हैं आप लोग, लेकिन हमारा समस्या ही नहीं पूछते, इसलिए कि अपना न्यूज निकालने के लिए अपनी बात। चलिए आप ही के समस्या सबसे पहले, इसलिए हमने वही सवाल किया था कि तेजस्वी यादव से मुलाकात हो गई, बता रहे हैं तो आपने कहा मुश्किल है। हमारा घर हुआ औरंगाबाद में, वहाँ 17 में एक बहाली निकला था आपको डीलर का, तो उसमें विज्ञापन में था, विज्ञापन के मुताबिक आपको 37 जिला में बहाली हो गई, कोई परीक्षा नहीं लिया गया, लेकिन वहाँ जो DM थे महिवाल साहब, वो खास करके नाटक किन अति जो मेघा सूची में था उसको नहीं लेकर के 1 नंबर पर 2 नंबर पर 3 नंबर पर 4 नंबर पर लेने वाला करिए, एक नाटक किन पैसा कमा के ख्याल से, और 1 नंबर 2 नंबर ला के छोड़ दिन, 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर वाला को बहाल किए। हम लोग आयुक्त के यहाँ गए, आयुक्त 3 YSC कमेटी बनाए और निरस्त कर दिए, फिर न जाने किसके पैरवी से फिर सचिव को सौंप दिया गया, प्रधान सचिव, अब प्रधान सचिव वही 2 कर दिए। अच्छा
अब ये तो समस्या है आपकी, मगर तेजस्वी यादव आप कह रहे हैं कि इतना भीड़ है, मुलाकात कैसे करेंगे, मिल कैसे पाएंगे, अपनी समस्याओं कैसे बताएंगे, अवगत कैसे कराएंगे? और इतना बड़का तो धांधली है कि जो बिहार गजट है उसके अनुसार कोई बहाली नहीं होती है और उसके विपरीत होता है, उसके बाद भी कोई ध्यान नहीं देता है और न कोई पेपर में आप लोगों को बात निकालता है। इसीलिए तो हम आपसे चचा पूछ रहे थे, तो आपने सवाल खड़ा कर दिया। 37 जिला में जब कंप्यूटर पीछा नहीं लिया गया तो औरंगाबाद में क्यों? ये तो पूछा जा सकता है आपको, वहाँ के जो पूर्व DM थे उनसे आखिर क्यों लिया गया, और जो वर्तमान सचिव थे उसी को 2 कर दिन फिर, और 3 IS की कमेटी उसको निरस्त किया, और 3 IS की कमेटी के 1 IS। अगर आप मिल नहीं पाएंगे तेजस्वी यादव जी से तो आपकी समस्या को जब वो जानेंगे नहीं, अवगत नहीं होंगे, तो एक्शन कैसे लेंगे? और अगर एक्शन नहीं लेंगे तो यहाँ पर आप जो आधे घंटे से या जितने भी समय से आप खड़े हैं, लोगों को कौन पूछता है सर? बूढ़ लोग को मिले देगा लोग, जवान लोग? बूढ़ लोग के नहीं मिलते ना, मिले देगा लोग, गार्जियन मानते हैं, सब देखते हैं, वो फेसबुक पे लिखते रहते हैं, कोशिश करने आए हैं सर, कोशिश। तो लालू जी का जनता दरबार बेहतर था कि इनका बेहतर है? क्योंकि आप बोल रहे हैं कि बूढ़ा लोग को कोई जा ही देगा। हम तो उनके दरबार में भी आए नहीं गए थे, इनके दरबार में फर्स्ट बार आए रहे, तो हम कहा कंपेरिजन करें सर, पहले आए नहीं थे हम। अच्छा, पहले नहीं आए? नहीं आते। आप कहाँ आए चाचा? हमको तो ऐसे आए हैं भेंट करने के लिए। जनता दरबार किसका अच्छा था, तेजस्वी जी का या फिर लालू जी का? लालू जी का अच्छा था। इसे इतना उस समय जनसंख्या नहीं थी तो लोग मिल लेते थे। अच्छा, अब जनसंख्या इतना है जो किस किस से मिलेंगे ये? देखिए, संख्या बहुत है यहाँ पर, और यही कारण है कि कई फरियादी यह भी सोच में डूबे हैं कि तेजस्वी यादव से आखिर मुलाकात करे तो करे कैसे, और उस बैरिकेटिंग तक पहुँचे तो पहुँचे कैसे, क्योंकि संख्या बल आप देख सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में फरियादी यहाँ पहुँचे हैं। उम्मीद है, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार रोजगार की बात करते रहे हैं और कहते रहे हैं कि युवाओं को रोजगार देंगे, जो वादा किया है वादा निभा कर रहेंगे। खैर, हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। हमारा प्रश्न भी यही था कि जनता दरबार बेहतर कौन लगाया करता था, लालू प्रसाद यादव या फिर बिहार के युवा डिप्टी CM तेजस्वी यादव? खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।